800 सुप्रीमो सुदेश महतो की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक 800 के नेता हर दूसरे दिन झटका दे रहे हैं। फिलहाल खबर ये है कि 800 के केंद्रीय सचिव और खिजरी विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी रह चुके पारसनाथ उरांव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वह पार्टी छोड़ चुके हैं। इससे पहले कल यानी कि शुक्रवार को 800 के एक बड़े नेता उमाकांत रजक ने भी पार्टी से खुद को दरकिनार करते हुए जेएमएम का दामन थाम लिया। खैर, पारसनाथ उरांव ने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के नाम बकायदा एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने पार्टी से अपनी शिकायतें पेश की है। साथ ही भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि 800 पार्टी की जिस सपनों के साथ स्थापना हुई थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उससे विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है और झारखंड के आंदोलनकारियों और शहीदों के प्रति जो सपना देखा गया था, उस सपने का पूरा ना होना और झारखंड में स्थानीय नीति नियोजन नीति का ना होना, यहाँ के लोगों का विस्थापन जैसे मुद्दों पर मुकर जाना, युवाओं के जन भावनाओं का सम्मान ना मिलना और भारतीय जनता पार्टी का आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार करना, मध्य प्रदेश में आदिवासी के सिर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पेशाब करना और मणिपुर में रोड पर गरीब आदिवासी बेटी को नंगा करके गोली मारना और जलाना, भाजपा का चुप रहना जैसी घटनाएं आदिवासी समाज को भी आहत करती हैं और ऐसे पार्टी के साथ 800 पार्टी का गठबंधन हो जाना मुझे काफी आहत किया। इस वजह से मैं दुखी होकर 800 पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। ये पारसनाथ उरांव ने अपने लेटर में लिखा है। उनके इस लेटर से साफ है कि सुदेश महतो के नेताओं के बीच अपनी पार्टी को लेकर असंतोष की स्थिति है। बताया जा रहा है कि ये नाराजगी खासकर सीट शेयरिंग को लेकर है। बता दें कि कल भाजपा ने 800 जेडीयू और लोजपा के बीच सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगा दी है। 800 को 10 सीटें मिली हैं। हालांकि इस पूरे मामले का एक दूसरा पक्ष भी सामने आया है। एक लेटर 800 पार्टी की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें पारसनाथ उरांव को पार्टी से निष्कासित किए जाने की जानकारी दी गई है। लेटर में लिखा है कि पार्टी विरोधी कार्य करने के कारण पारसनाथ उरांव को पार्टी के तमाम पदों से पदमुक्त करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल हटाया जाता है। ये लेटर 800 के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत के हस्ताक्षर के साथ जारी की गई है। दरअसल सूत्रों से मिली खबर के अनुसार पारसनाथ उरांव काफी समय से खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के संपर्क में थे। अब कौन सा लेटर सही है और कौन पहले जारी हुआ है, पारसनाथ उरांव ने खुद पार्टी से इस्तीफा दिया है या फिर उन्हें निकाला गया है, ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। इस पर संभावनाओं पर ही बात हो सकती है। वहीं पारसनाथ उरांव को लेकर अब खबर आ रही है कि वह जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ज्वाइन कर सकते हैं और जेएलकेएम की टिकट पर ही खिजरी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि ये भी अब तक कंफर्म नहीं है। इस पर अंतिम मुहर तभी लगेगी जब पारसनाथ उरांव कोई दूसरा बड़ा एक्शन लेते हैं, किसी दल में शामिल होते हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि सुदेश महतो को झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार झटका लग रहा है। खैर, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।